ओम गुरुभ्ये ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम राम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति शांति शांति। विषय था वशीकरण सम्मोहन तंत्र विज्ञान विश्व में हमारे भारतीय रचित शायद ही ऐसा कोई तंत्र का किताब हो, संस्कृत हिंदी इंग्लिश उड़िया में लिखा, मैं नहीं पढ़ा हूं, जो प्रिंट आउट हुआ है सबको पी लेता हूं। इस फील्ड में प्रचार नहीं करता, लेकिन आप सबको बता दूं, खाली वही नहीं, आप देखे होंगे ताल का बड़े बड़े पोथी मेरे पास हैं। मेरा ये संग्रह हुआ जिंदगी भर का यही नौटंकी रहा। लेकिन ये गुप्त विद्याओं को प्रकट करना बड़ा दंडनीय अपराध है। अच्छा चलो, कोई कर भी नहीं सकता। तो आपका प्रश्न यही था, क्या कुछ मकरुओं के दिमाग में बात आया है? बोला कुछ वशीकरण बता दीजिए गुरुजी, कुछ सम्मोहन बता दीजिए गुरुजी, कि जैसे ऑफिस में जाते हैं हमारा काम नहीं होता है, हम वशीकरण प्रयोग कर देंगे, सम्मोहन प्रयोग कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और सही तरीका क्या है वशीकरण का? देखो, दो प्रकार के वशीकरण होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और एक नेगेटिव जो दूसरे का ब्लैकमेल करने के लिए, ठगने के लिए, फायदा उठाने के लिए, दूसरे को ध्वंस प्रलय बर्बाद करने के लिए, बहुत सारे वशीकरण के विंग्स हैं। एक तो जैसे किसी का मुंह से बात निकालना है, कितना भी दबा के नहीं रह सकता। सोचो आप चाहते हो कि आपके बारे में क्या सोचता है, या वहाँ मेरे अगेंस्ट पार्टी में मेरे विरुद्ध में क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, उसे निकालना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस हैं कि वो आपके पास आके बकेगा, तो ये भी एक पद्धति। तीसरा ये है कि कुछ ऐसे लोग जो सेक्सुअल किसी को पासना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, गंदे नेगेटिव मैलिफिक एनर्जी का वशीकरण, जिसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट जिंदगी में आता है, और ये सब करते हुए लोगों को मरते हुए भी देखा हूँ, बुरी तरह मरते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आखिरी में उन्हीं को ही खा जाता है। लेकिन ये भूत प्रेत पिशाच जादू टोना तंत्र मंत्र जंतर ब्लैक मैजिक काला जादू, आवेश आना, भूत पकड़ना, डाइन लग जाना, ऊपरी हवा लग जाना, साइंटिफिकली ये सब एक विज्ञान के सुलझे रहस्य हैं। और आज के युग में ये सब बात बोलना खतरा से खाली नहीं है, कोई भी कुछ भी कंप्लेंट कर दे तो अपने को बचा बचा के चलना पड़ता है। तो साइंटिफिकली विज्ञान के क्षेत्र में दो पॉइंट आते हैं, अगर आपके शरीर में सीवियर मैलिफिक एनर्जी है, आपका कुंडली पाप बली है या पुण्य बली है, पाप ग्रह अगर
नंबर डिग्री और केंद्र और त्रिकोण में राज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मोहन वशीकरण विद्या अलग ट्रैक से, अगर पुण्य ग्रह पुण्य प्रभाव बल ज़्यादा है कुंडली में तो उनके लिए अलग प्रकार के। चौथा, तंत्र के जो भी षटक्रिया प्रयोग हैं, आप लोग जो लोग मेरे को आके बोलते हो कि तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, जंतर कर दिया, ऊपरी हवा कर दिया, इतना आसान नहीं है, ये सब बेकार बातें दिमाग में मत रखिए। ये सब लाइन में जो लोग करने के लिए करवाने के लिए आते हैं, एक बात बताइए, आज का डेट में आपको बिगाड़ने के लिए कोई 35-40 हज़ार खर्चा करेगा? आज के डेट में जो हमारे यहाँ के 14-15 रिनाउंड तांत्रिक कहलाते हैं, उनका कॉस्ट आज के डेट में सर्वनिम्न 35-40 हज़ार है। तो कोई आपका घर बांधने के लिए, आपको बांधने के लिए 35-40 हज़ार खर्चा करेगा? किसका टाइम है? दूसरा, ये बोलते मेरा पड़ोसी कर दिया, जिसका खुद का लाले पड़े हैं, सुबह टिफिन लेके नौकरी करने जाता है, किसी के पास गुलाम है, खुद का कलेजा में दम नहीं है, जाएगा मसान घाट में तपस्या करने आपको तंत्र मंत्र जंतर काला जादू करने के लिए, बेवकूफ नहीं है क्या? फिर ये धंधा डरने डरवाने वाला नौटंकी, और आपके मन में भ्रम, राहु अफेक्टेड हो, महादशा है, जैसे अभी कन्या वाले और मीन राशि वाले राहु घुस रहा है तो देखना बड़े सारे तांत्रिकों के पीछे दौड़ेंगे, जैसे मकर वाले उस समय दौड़ रहे थे। अभी मकर वाले नहीं जाते, बहुत कम, लाखों रुपया लुटवाएंगे, तंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, वशीकरण कर देंगे, सम्मोहन कर देंगे, ये जड़ी पहन लो हो जाएगा, ये ताबीज बांध लो हो जाएगा, ये खिला देना, ये पिला देना, पानी से तंत्र, नमक से वशीकरण, यूट्यूब से देख के वशीकरण, किसी गुरु से मंत्र तंत्र लेके वशीकरण, बेवकूफ नहीं हो क्या आप? महाबेवकूफ बताओ ना कौन करने जाता है? मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज, ये सारे क्रियाएं इतने आसान अगर हो जाते, गधा घोड़ा भेड़ बकरी लोग भी कर लेता, गधानंद सरस्वती लोग कर लेता, बैमान सिंह यादव लोग भी कर लेता, कहीं भी कोई भी कर ले। आप तुच्चा किताब जो बोलते हैं ना, 5-10-20 रुपए आता है, जो रोड साइड में फुटपाथ बुक, मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ो, रुद्रयामल तंत्र पढ़ो, महावशीकरण तंत्र, इंद्रजाल तंत्र पढ़ो, एक किताब का वेट ही 8 किलो है यार, 8 किलो, इतना मोटा किताब, एक 5,500-6,000 का एक किताब है। बेसिक बात बताओ यार, दुर्बल कुछ मानसिक लोग तंत्र मंत्र वशीकरण कर देंगे? बल चाहिए, ताकत चाहिए, पावर चाहिए, एकाग्रता चाहिए, फोकस चाहिए, साहस चाहिए, ऐसे लोगों के लिए तंत्र मार्ग है। दुर्बल, भीरु, कापुरुष, छेरु, हागल का पैसा नहीं है, सारा शौचालय जाएगा ना तो पैसा देने के लिए नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं है, तंत्र मंत्र जंतर करेगा। चमत्कार लोग हैं यार। तो दुर्बल मानसिक लोग नहीं कर सकते, ये लाइन उनके लिए नहीं है। बड़ा पावर चाहिए होता है, बड़ा शक्ति चाहिए होता है, कलेजा में हड्डी होना चाहिए होता है। और जानते हो दूसरा, नित्य रेगुलर, फिर आप लोग डरोगे, गुरुजी अमुक पूजा कर रहा था, छोड़ दिया,
फट रहा है? कुछ फटता नहीं है, साइंस है यार, विज्ञान। सोचिए एक उदाहरण, मैं नित्य प्रतिदिन ओरिजिनल देसी माँ कामाख्या वाली या फिर काली हवन वाली दक्षिण काली हवन या बगला सिंह, तीनों का अलग अलग सिंदूर है, डेली यहाँ लगाता हूँ पिट्यूटरी में, यहाँ 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 यहाँ। मेरा डेली का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं नहीं लगाता, शायद नहीं लगाता। अच्छा, हर एक जगह में अलग अलग सिंदूर लगता है, सप्त सिंदूर, और वो सिंदूर का कॉस्ट भी कुछ कम नहीं है। उसको बनाने में, हवन करने में, पूजा करने में, पाठ करने में, जप करने में, जिसे आप, मैं उस रूम में तो वीडियो ना कैमरा नहीं लेता, मेरा साधना कक्ष में हमेशा कुछ ताबीज, कुछ कवच, काली तंत या काजो कवच रखा रहता। चलो किसी को इमरजेंसी चाहिए होगा तो नाम गोत्र संकल्प पूजा करके दे दिया जाए, हवन करके दे दिया जाए, तो मेरा जिंदगी भर का तपस्या उस यंत्र में है। तुम बोलोगे कल यूट्यूब से एक मंत्र उठाएंगे, तंत्र कर देंगे, वशीकरण कर देंगे, सम्मोहन कर देंगे, काला जादू कर देंगे, ऊपरी हवा कर देंगे, सब डरने डरवाने, नौटंकी, लाल लाल कपड़ा पहनो, बड़ा बड़ा चिता चेतन लगाओ, ताओ जैसे बात करो, थंतर कर देंगे, हवा में उड़ा देंगे, मार देंगे, इतना आसान है क्या? बड़े बड़ों को देखा हूँ यार, जिंदगी में भिड़ान बहुतों के साथ हुआ है। हमारे यहाँ एक है, अब उसका है, सुबह सुबह बड़े लाइन, नाम कर दिया यार टेक्नोलॉजी में, क्या प्रॉब्लम है? जैसे आप बच्चे, मेरे बच्चे लोग यहाँ यूट्यूब में, उनको टेक्निक है, तो मेरे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ज़्यादा व्यू है। लेकिन पूछता हूँ भाई, दिन में कितना कुंडली देखते हो? बोला एक भी नहीं। ठीक है, बोले इतना व्यू रखा है। तो ऐसे 8-10 बच्चे हैं मेरे, कारण उनको भी पता है कि ये लोग टेक्निकल वीडियो बनाता है, मैं नॉन टेक्निकल बनाता हूँ। तो ऐसे ही वो लोग हवा बना दिया राउरकेला में, मसान काली का महातांत्रिक बंगाली बाबा का चेला, बोले तेरी भला हो जाए तेरा चेला। मैं जब जाता हूँ तो बोलते पंडित जी भाग जाओ, रोजी रोटी का सवाल है। बोला 40,000-50,000 लेते हो, रोजी रोटी करते हो, है किसको बेवकूफ? आप भाग जाओ गुरु जी, मत रहो यहाँ। मैं जाते ही उसका मुंह में मंत्र बंद हो जाता है, तो बाद में पीछे बुला के हाथ जोड़ते हैं, आप भाग जाओ, आप रहने से मेरा मुंह नहीं चलता। तो लेकिन सुबह सुबह उसका अपॉइंटमेंट, पेशेंट करीब करीब 150-200 लाइन लगाता है, और मैं देखा तो उसका हलवा चले टाइट, तू तांत्रिक तेरे घर में बे। ठीक है, अच्छा वो बोलता है हम वो बाबा से दिखा लिया, ये लिया वो लिया, मतलब वह तरह बाबा को हम देखते हैं। ठीक है, चल रहा है धंधा धड़ल्ले पे, 21वीं सदी, हायर एजुकेटेड, कंप्यूटर, आईटी, और चैट जीपीटी का दुनिया में इनका भी धंधा मस्त चल रहा है। हम लोगों के सामने आने से इनका फूस उड़ता है, सब तंत्र, लंबा दाढ़ी वाला, बिन दाढ़ी वाला, बड़ा टुप्पा वाला, इंसानी खोपड़ा पहनने वाला, आ मेरे पास आ, का तांत्रिक करता है थोड़ा। यू नेवर बिलीव, एक मंत्र ईमानदारी से सही से उच्चारण नहीं कर पाते, इनका ये औकात है, खाली बोल हवन करता होगा, पहुंचने से बोलता है आप चले जाओ, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला को बेवकूफ बना रहे हैं। एक सही उच्चारण, एक मंत्र का, मैं बोला चल 40 साल से यहां नौटंकी धंधा चला के बैठा, एक मंत्र ईमानदारी से बता दे सही उच्चारण। नहीं नहीं, एक बात बताओ यार, मैं जितना, इतने सारे अध्ययन, मेरा लाइब्रेरी तो देखे हो, 7.5 लाख का लाइब्रेरी, मजाक नहीं आज के डेट में, जिंदगी भर का कलेक्शन, कोई भी एक प्रयोग बिना सही लग्न राशि नक्षत्र
हुरा का प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकता। ये बेवकूफ मंत्र नहीं जानते हैं एक सही। ये लोग कुंडली देख के, पंचांग देख के, लग्न राशि निकाल के प्रयोग कर देते हैं और आप भी डरते हो। सोचो आप इतना वीडियो देख के आपको नहीं पता एक तिथि निर्धारण, एक लग्न निर्धारण। वीडियो बनाता हूं तो लोग समय बोलो गुरु जी ऊपर से भाग रहा है, क्या हो रहा बोल रहे हो, क्या लग्न वग्न बोल रहे हो। 14-15 साल से यूट्यूब से तो खाली राशिफल समझे थे, का एक ठो नक्षत्र फल ले आए, फिर लग्न फल ले आए, फिर होरा क्या बोल रहे हो आज तक समझ में नहीं आया, फिर तिथि फल बोलने वाला हूँ। ये लोग तो अंतर करेगा। एक प्रश्न पूछो उसको जाके, कौन सा तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा बार, कौन सा लग्न, कौन सा होरा और कौन से ऋतु में किस किस का प्रयोग होता है, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, शांतिकरण, दे डोंट नो। लेकिन ये लोग बड़ा सारा हवा करता है और आप लोग डरते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो था एक बेसिक बात। अब बात करते हैं वशीकरण और सम्मोहन। देखो सम्मोहन इज ए कंप्लीट साइंस। आप देखे होगे मेरा वो झूलने वाला हिप्नोथेरापी, हिप्नोटिक, हिप्नोटिज्म, गेम ऑफ माइंड, ये कोई तांत्रिकों का ही पुरस्तवनी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। तो ये कंप्लीटली विज्ञान है। आप लोग आओगे यहाँ सम्मोहन का 2-4 शिविर कर लोगे, सीख जाओगे। सेल्फ हिप्नोटिक भी है, सेल्फ हिप्नोसिस भी है, दूसरे को भी है। ये पूरा विज्ञान का खेल है और इसमें कोई उखाड़ नहीं सकते हो। हिप्नोटिस करके थेरेपी में काम करते हैं हम लोग, क्योंकि नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान में 42 साल से काम कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहा हूँ, तो ट्रीटमेंट वगैरह में काम में करते हैं। इसका कोई दुरुपयोग नहीं कि किसी को ऐसा करके पेंट खुला दिया, चड्डी खुला दिया, ना, वो सब गंदा खाले है और उसमें अपना हानि होता है। उसके ऊपर बड़े सारे वीडियो के भी लंबे लंबे बात करेंगे। अब आते हैं, क्या वशीकरण ही हिप्नोटिज्म है? पार्शियली ये सच है, पूर्ण सत्य नहीं है। कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल है, बड़े लंबे वीडियो हो जाएंगे। एक विधवा औरत, बहुत पैसा था, पति मर गया था, मैं बचपन में देखा हूँ, 25 साल तक उसको उसके भाड़े डाले या उसको फंसाने वाले या उसके उससे शोषण करने वाले शारीरिक आर्थिक, 25 साल तक ऐसा जाल में रखा कि मर भी गई तो समझ नहीं पाई। ये लॉन्ग टर्म लेवल का खेल है। क्या ऐसे होते हैं? बड़ा घिनौना कहानी है, किसी दिन इसके ऊपर पूरा आलोकपात करूंगा। मेरा अपना रिलेटिव ही है, मेरा पिताजी का मौसी होगी, मैं बचपन से देखते देखते आया हूँ। आखिरी में सारा संपत्ति वो लोग लेने के लिए बैठे थे, बड़ा सारा हुआ, फिर आखिरी में जो चलो वो सब गहरा बात है। इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक। और उसका प्रयोगात्मक इफेक्ट बड़ा भिन्न रहता है और इसका साइड इफेक्ट भी देखा हूँ। जो लोग उसको 25 साल तक ऐसे उसका दिमाग को खा के रखे थे, इसका कई प्रकार के साइंटिफिक हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मेंटल साइकेटिक ड्रग्स हैं जिसको अगर रेगुलर देते हो, कोई वशीकरण, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ जरूरत नहीं है, वो टैबलेट्स किसी ना किसी रूप में खिला दो, लख बहुत कुछ है। साइंटिफिक मेडिसिनल मेडिसिन ऐसे बहुत से हैं, ये सब डिस्क्लोज नहीं करूँगा, गलत बात है, गलत चीज़ का
बम बनाने का मेथड अंग्रेजों का दरबार में डिस्क्लोज कर दिया, तो जो परिणाम हुआ। और हम जैसे साइंटिफिक लोग अगर बोल दें ये सब बात, फिर और रह क्या गया। हाँ हाँ, यूट्यूब से देखिए, मंत्र उठाइए, करिए। बहुत सारे पागलपन ऐसे करते हैं रात रात भर जग के, आप भी करिए। होने वाला कुछ नहीं है, ये चैलेंज है, ये लिख लो कि नहीं होने वाला है। यूट्यूब का मंत्र, किताब का मंत्र, किताब से उठा के अगर कोई वशीकरण सम्मोहन करा दे, गधे लोग वीडियो बनाते, रात को करिए, सुबह तक आपका लबरी फोन करेगी करेगी करेगी, खींच के लाएगा आपका लबरी को अमेरिका से, इंग्लैंड से, लाल देगा तुम्हारे चरण में, छाटेगा तेरे चरण का धूल ये सब ठीक है। मैं बोलता हूँ यार, आप इस वीडियो में जाते कैसे हो, इतना कृच्छ हो, इतना दिमाग आपका कृच्छ है। और अच्छा, यदि जाते जाते हो तो साले मेरे पास क्यों भेजते हो, मेरा स्टाफ में यही सब काम रह गया, यही सब देखने के लिए ये सच है कि झूठ है गुरु जी, कुछ साइंटिफिक वशीकरण बता दीजिए चमत्कार व्यक्ति हैं, बी प्रैक्टिकल, इज इट पॉसिबल। सामान्य किताब में, जो टुच्चा किताब में ये लिखता है कि इतना लाख इतना हजार मंत्र का सिद्धि इन इन दिनों में, इन इन रातों में, इस पद्धति और विज्ञान के साथ करना है। जिसके पास खाने का लाला पड़ा है, सुबह नौकरी जाता है, ये सब बैठ के करेगा। और याद रखना, ये सब विद्या करीब करीब शायद 1 करोड़ में एक आदमी के पास इस कलयुग में, या 2 मैक्सिमम 5, अगर कामाख्या जैसे एरिया है वहाँ भी नहीं मिलेंगे। वहाँ भी बहुत सारे गधों को पूछता हूँ, कितना बार माता रानी का मंदिर जाते हो, सिंदूर है, कपड़ा है, कवच है, किलक, ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ जाते हैं। लेकिन तो कई पद्धति का वशीकरण प्राधान्यता है, मंत्र सिद्धि है, सिंदूर सिद्धि है, नमक सिद्धि है, हजारों हजारों हजारों, एक घास का तिनका नहीं। लेकिन क्या है साइंटिफिकली, वो आपका एनर्जी, आपका ऊर्जा, आपका शक्ति, आपका ताकत, आपका पावर। और आज का शिक्षा पद्धति आपको स्टेबल होने देता नहीं, ये काम कंटिन्यू करने देता नहीं। नित्य निरंतर किसी चीज में पागलपन से भिड़े रहना, आखिरी तक जाना, यहां तो थोड़ा नहीं होने से मायूस हो जाते हैं, हताश। जो लोग जीवन के अर्थव्यवस्था में सफल नहीं है, सोचो, तांत्रिक के घर जाते हो, खुद झोपड़पट्टी में रहता है, लेकिन नौटंकी हाथ में मुंगली उंगली पत्थर उत्थर हड्डी उड्डी झुला के बैठा है। यार अगर वो कर सकता होता तो इस हालत में रहता क्या, भीख मंगा बन के। इतना भी अकल नहीं है आपका, तो इतना समझ समझाइए गुरुजी, एक लाइन में बता दीजिए वशीकरण कैसे। आत्मसुधार ही वशीकरण है। आप वाणी में किसी को प्रेमपूर्ण बात बोल दो, वशीकरण है। मैं आपको तंत्र मंत्र जंतर में फंसाना नहीं चाहता हूं। YouTube के जगत से बहुत सारे लोग सर पागल हुए हैं, पागल हुए हैं, पागल हुए हैं, कंप्लीट पागल हुआ है। जब एनर्जी उठेगा ऊपर और आदमी को उस लेवल पे लेके जाएगा, गुरु नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सर ब्रेन में। तो इसलिए पागलपन से ऐसे तैसे कोई भी YouTube से, किताब से मंत्र अंतर उठा के मत करो।
वशीकरण के बहुत सारे मंत्र हैं, साबर मंत्र से लेके वैदिक तांत्रिक यंत्र साधना बहुत है। था ही न है। साउथ में जाओगे एक प्रोसेस, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे एक प्रोसेस, नॉर्थ में जाओगे एक प्रोसेस, सेंट्रल में जाओगे एक प्रोसेस। मेरा जिंदगी हर जगह घूम घूम के पार कर दिया, हर आश्रम हर स्थिति को। हिमालय के बड़े बड़े साधु संतों से भी मिला, अघोरी से भी मिला, बड़ा दिन रहा उनके साथ, साधना तपस्या का मौका मिला, उनके श्री चरण का आशीर्वाद मिला। इन सब के उपरांत कह रहा हूँ, एक प्रश्न अपने से पूछना कि मैं मंत्र तंत्र जंतर में जाऊँ, काली साधना, बगला साधना, कमाख्या साधना, एकाक्षरी बीज साधना, क्लिम साधना, हिम साधना, डिम साधना, एक प्रश्न पूछना कि इस समय जो दशा अंतर दशा चल रहे हैं कितना दिन रहेगा, आज का परिस्थिति कितना दिन रहेगा, और कल जब परिस्थिति परिवर्तन होगा तो क्या ये साधना कर पाऊंगा। इसीलिए उस समय बोल रहा था कि सोचो, यहाँ यहाँ सिंदूर लगाता हूँ, पकड़ लो, तो यहाँ पिट्यूटरी में लगाया सिंदूर, पिट्यूटरी एक्टिव हुआ, कालिका कोपलम रक्षित कन्नमूले तुषांग करी लगाया, नासिकायाम सुगंधा च उत्तरे अष्टचर्चिका अधरे च अमृताबालम जिह्वायां च सरस्वती। ये सब जो सिंदूर लगाया तो उस जगह से, जैसे कलर थेरेपी एक्यूप्रेशर में है, यहाँ लाल रंग लगा दो, लॉन्स में लाल रंग लगा दो तो एक्टिव हो जाएगा, ये होगा वो होगा। वो लोग एनर्जी पा रहे थे, सूर्य से ला रहे थे, सिंदूर लगाना बंद कर दिया। सूरज से जो किरणें यहाँ पड़ने वाला था, पड़ेगा और तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बढ़ने लगा, तो बोला तंत्र कर रहा था, छोड़ दिया तो भूत चीप दिया, उसको मार दिया। चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए ये प्रश्न अपने को करो कि मैं इस काम को कितना दिन कंटिन्यू कर पाऊंगा, पहला प्रश्न। दूसरा, जब छोड़ूंगा तो इसका रिवर्स रिजल्ट क्या होगा। चौथा ये कि सेव जेम क्या है, कल जब मैं नहीं कर पाऊंगा, इन देवी उग्र देवी देवताओं को जो पाल के रखा हूँ, खिला पिला नहीं पाऊंगा, उनको लेके किसी मंदिर में किसी नदी में जब विसर्जन करूंगा तो उसका बैकथ्रस्ट नेगेटिव बैकफायर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर क्या आने वाला है, इन सारे बिंदु को सोचना। उसके बाद इस प्रकार के मंत्र तंत्र जंतर उठाना, ऐसे गुरुओं के पास जाना, नहीं तो खेल बड़ा आसान है, बहुत आसान है। सही गुरु मिलना चाहिए और आपके पास पैसा का दम होना चाहिए। कलयुग में उस समय तो गुरु का सेवा करने से गुरु दे देते थे, हम लोग गुरु का चरण में रह के सालों 22 साल 23 साल सेवा किया, पैर दबाने से ले के घर का झाड़ू पोछा से ले के आलू का खेती से ले के धान का खेती में मेहनत किया, संतान बन के काम किया, घर का एक नौकर चाकर गुलाम हलिया बन के काम किया, तब गुरु का आशीर्वाद मिला। आप बोलते हो, यहाँ आपको तो सामान्य बोलते हैं कि देख बेटा तेरे कुंडली में काल सर्प है या तेरे कुंडली में पितृदोष है, शांति करा ले। तो गरीब आदमी पैसा नहीं, बोला मोबाइल कितना का, बोला 35,000, गाड़ी कितना का, 1,50,000, लिपस्टिक कितना का लगाती हो, 5,000, हील कितना का है, बोला वुडलैंड का 4,000। बैमान सिंह एक बात बता, इस सब में इतना खर्चा देने के लिए तैयार है और ऊपर से मेरे को बोलते हो हम गरीब हैं पैसा नहीं है, गधा समझते हो, कुत्ता समझते हो हमें, पैसा नहीं है, 5-10-20 हजार रुपया नहीं है, मोबाइल खरीदते हो 20,000 में, तुम्हारा जिंदगी बनाता है,
ग्रह शांति के लिए नहीं है, 10 दिन शिविर आने के लिए नहीं है, 10 दिन शिविर आओ उसके लिए नहीं है। अभी 7 दिन कर दिया, 7 दिन का शिविर कर दिया कि जब तक पूजा पाठ करके अपना कल्याण के लिए, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, मोबाइल खरीदने के लिए है, नया नया ड्रेस गाड़ी में खरीद। तो बाप मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं इतना आगाह कर रहा हूँ, आप लोग बेसिक सम्मोहन में जाइए, सिंदूर लगाने से सम्मोहन, गोटा हल्दी वाला सम्मोहन, इसमें कोई डेंजर नहीं है, आपका ऊर्जा को बढ़ाएगा, सिंदूर सिद्धि, हल्दी सिद्धि, सम्मोहन कवच, ये सब क्या है ना, आपको आगे चल के विपद नहीं है, जिसमें आपको कोई कलयुग में इस प्रकार के लंबे ड्यूरेशन का कहीं फंसना फंसाना नहीं पड़ता। तीसरा है मदांग साध, मदांग सम्मोहनी, मद सम्मोहनी छड़ी, एक है ऐसे डंडा को ना पानी में डुबाओगे बोलोगे बाएं घूम घूमेगा दाएं घूम घूमे, ऐसे बहुत से हैं, बाकी सब विषय को YouTube में नहीं बताया जा सकता है, मैं केवल आपका सुरक्षा का चिंतित हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कलयुग है, रोजी रोटी का लाले हैं, देश का हालत खस्त है, और आप इस सम्मोहन वशीकरण मारण मोहन उच्चाटन शांतिकरण विद्वेषण युग धर्म नहीं है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम की बोलो, टेढ़ा टेढ़ा गंदा गंदा बात बोलोगे, क्रूर नारी बनोगे, क्रूर पुरुष बनोगे, बोलोगे वशीकरण में आ जाए। बाय गॉड इस समय जहाँ बैठा हूँ एक साधना स्थली है मेरा जिंदगी का, और ऐसे पेड़ के पास बैठा हूँ, इस प्रकार के काम करने वालों को दंड भयंकर मिलता है, मत करो, और करना चाहते हो गुरु ग्रहण करो, गुरु को पैसा से नहीं खरीद सकते, बहुत ठोकेगा पीटेगा, चेक करेगा कि तुम्हारा औकात क्या है और इस क्षेत्र में तुम कितना स्ट्रांग स्टेबल होके आगे बढ़ सकते हो, उसके बाद आपको सही और विपद रहित मार्ग में लेके जाएगा। और मैं ये सब लाइन पे नहीं हूँ, मेरे पास नहीं आना, मुझे नहीं पता ये सब तंत्र मंत्र जंतर, ना ही मैं करता हूँ, बल्कि मैं कुरीति उन्मूलन अंधविश्वास उन्मूलन का काम करता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी को भी ईमानदारी से साइंटिफिकली जितना पॉसिबल, मैं ये नहीं कहता कि मैं सब त्रिकालदर्शी सब जानता, और ये बार बार कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज ए करेक्टिव साइंस नॉट प्रेडिक्टिव साइंस, और जो लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करते हैं 25 लाख दे देंगे 50 लाख दे देंगे, बेटा थुथड़ू सिंह कभी एस्ट्रोलॉजर से भिड़े नहीं हो, और हम लोगों का ये सब काम नहीं है कि तेरे हाथ में क्या है और क्या नहीं, बता देंगे और तुम हमें 50-25 लाख दे देगा, औकात है तो 2-4 करोड़ में आ, मैं कोशिश करूँगा ऐसे आदमी से मिलाने कि तेरा डेस्क के अंदर कितना बाल है वो भी गिनती करके देगा और खुरवा के गिन देगा कि इतना बाल है। ऐसे हैं यहाँ चुतिया लोग, बड़े बड़े पड़े हुए हैं, तुम लोगों को ये जो 25 लाख दिखा के लोगों को कहते हो कि एस्ट्रोलॉजी गलत, तंत्र विद्या गलत, वास्तु गलत, हिप्नोटिज्म गलत, चलो तुम्हारा व्यू है, तुम्हारा यूट्यूब है, तुम्हारा लोग हैं, बना लो गधा, कभी पड़े नहीं हो, जिस दिन तुम्हारे ऊपर पड़ेगा 7.5 ही लगेगा, कुंडली लेके घूमोगे खुद की बचाव, अब फिर बोलते रहना वीडियो बना के बड़े सारे छोटी कंपनी को देखा हूँ, ग्रह ग्रह नहीं होते हैं, हमारा छोटी है, परमेश्वर है, ईश्वर है, छुपा के बोलता है कि हमको बचा लो गुरु जी, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू।
इस वशीकरण सम्मोहन के बारे में केवल पर्सनली किसी गुरु के पास से सीखना, हम इस लाइन के नहीं हैं। धन्यवाद, नमस्कार।